हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड क्लास टेंथ इंग्लिश मीडियम का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है पंजाबी मीडियम का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन दिया था। अगर आपने पंजाबी मीडियम का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आप वहाँ से सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को। और उसमें कई इंग्लिश मीडियम के बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम प्लीज़ जल्दी से इंग्लिश मीडियम का भी आप सॉल्यूशन दे दो। तो बहुत मुश्किल से मुझे इसका सॉल्यूशन जो है मिला था। मैं उसको जो है सही ढंग से उसकी पीडीएफ नहीं थी, वैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे उसको भेज दिया था, बट कई बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया होगा तो वो कमेंट कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ इसका सॉल्यूशन दे दो, तो उनके लिए मैं ये सॉल्यूशन लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देर ना करते हो फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में आपका पेपर है, आप अपने सॉल्यूशन को एक बार मैच कर लेना। तो ये है बेटा इंग्लिश मीडियम का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अपना जो है वीडियो क्वालिटी अच्छी कर लेना, रिजोल्यूशन तो आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, इसकी के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्या होता है, ए और ये बी और ये सी। ठीक है, तीनों की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से जो है कंपेयर करनी है, और उसके बाद यहाँ पर सारी वैल्यू लिख के उसमें फिल करना है, और डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला लगाना है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, और सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या है के की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाल देनी है। ठीक है, अभी इतना टाइम है नहीं, मैं फटाफट आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बन के अपलोड होने में टाइम लगेगा, ताकि आपको टाइम से वीडियो मिल जाए, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टू। टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका पीडीएफ भेजा हुआ है बेटा, अगर आप उसको चेक करो ना तो देख लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर थ्री का ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक करते जाओ। ठीक है, वीडियो पॉज करके चेक करते जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन देखो। ठीक है, रिजोल्यूशन थोड़ा सा सही कर लेना तो आपको ये क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड बी पार्ट का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये आपका फिफ्थ का पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। ठीक है, और सम पता करना है फिफ्थ चैप्टर का, और इसके चॉइस में ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन है, आप अपने आंसर मैच कर लो, ये सब सीख गई होगे आप। क्वेश्चन नंबर सेवन चैप्टर नंबर नाइन का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आधा है। ठीक है, आधा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हाफ जो है यहाँ पर है, ये हाफ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसके चॉइस में ये क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देख लो आप इस तरीके से, ये मैं पूरा ये भेज दी, चलो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। ठीक है, पीडीएफ बेटा मैंने टेलीग्राम पे भेजी हुई है, वहाँ पे भी देख सकते हो, जो बच्चे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए वहाँ से स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग देख लो। क्वेश्चन नंबर एट जो है कंस्ट्रक्शन है वो तो आपको अपने आप करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन ये आप देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन का सोल्यूशन ये है पूरा। ठीक है, उसके बाद आपका मैच है, ये मैच। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ये मैच देख लिया ना आपने, इसको देख लेना, और उसके बाद नेक्स्ट ये है थ्योरम आपकी। थ्योरम तो मैंने करवाई हुई है, यहाँ से कितनी ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों ही थ्योरम है, इसको छोड़ दो, आपने की हुई होगी अपने अकॉर्डिंग थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इलेवन जो कि छः नंबर का आता है मीन मीडियन निकालने का, ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और रुको मैं को ये इजीली दिखा देती हूँ ताकि आप अपना आंसर मैच कर लेना इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये रहा इलेवन का हाफ क्वेश्चन बचा हुआ, ये रहा। ठीक है, पूरा आंसर मैच कर लेना, मीडियन कितना आ रहा आपका। उसके बाद इसके चॉइस में सिक्स नंबर के चॉइस में ये क्वेश्चन है, इसका देखो। ठीक है, इतने चक्कर में पढ़ना ये चॉइस वाला वैसे, पर मेरिट वाले बच्चे एक बार कर लेना। ठीक है, कई बच्चे मेरिट के हैं, मुझे कमेंट करते हैं, तो वो ज़रूर कर लेना इसको। चलो इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ मैं यहाँ पर, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से, ये फुल सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे इसलिए मुझे लेट नाइट ये जल्दी जल्दी वीडियो बनानी पड़ी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल हिंदी के पेपर के साथ। आओ, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना। बाय बाय।